चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। एक प्रश्न है उसमें चार विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी जो आपका एग्जाम होता है उसमें कितने चार विकल्प आते हैं। बिहार के जो एग्जाम होते हैं, बिहार वाला जो एग्जाम होता है उसमें कितने विकल्प होते हैं बताइएगा, उसमें आपके होते हैं पांच विकल्प, ठीक है। तो प्रश्न है, चलिए बहुत बेहतरीन, चार विकल्पों में से दिए गए शब्द में सही समास वाला क्या है, सही समास वाला विकल्प चयन करना है। तो क्या करना है हमें, समास का विग्रह करना है, समास का विग्रह करना है। तो बताइएगा सभी लोग इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है चक्रधर, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, ठीक है। आराधना वर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आराधना जी, जय हिंद पंकज जी, चलिए क्लियर है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। क्या कह रहा है चक्रधर, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण करता है, तो चक्र को धारण किया है, चलिए चक्र है धारण घर में जिसके, तो घर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर क्या है चक्र है अधर, अधर मतलब होट, यानी कि होठों पे चक्र है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चक्र धारण किया है जिसने, तो चक्र जिसने धारण किया है कौन है बताइएगा, विष्णु जी, कौन है विष्णु जी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही राइट इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए घर में है जिसके, तो घर में चक्र कौन रखेगा ना, चलिए बहुत ही बेहतरीन। गुड इवनिंग जीएस पॉइंट सर, जीएस पॉइंट की तरफ से गुड इवनिंग सभी को, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो पहला प्रश्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, आराधना जी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए क्लास थोड़ा सा आज से आज स्पीड में करेंगे क्योंकि काफी लेट हो चुका है ना, काफी लेट हो चुका है, इसके बाद में जीएस वाली क्लास है, ठीक है। तो क्लास थोड़ा सा तेज होगी, है ना, बहुत ही बेहतरीन। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का हमें चयन करना है, एक विकल्प का चयन करना है जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द, यानी कि बात कर रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द की, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहा है। कह रहा है रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाला, तो रात मतलब क्या होता है बताइएगा, निशा मतलब रात होता है कि नहीं, बोलो हाँ, निशा मतलब रात हो गया। घूमने वाला चरण करने वाला क्या होता है, चरण करना क्या होता है, चर यानी कि क्या हो जाएगा, चर, तो जाने वाला निशा में रात में जाने वाला क्या हो जाएगा, रात्रि को घूमने वाला निशाचर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोगों का कमेंट आ गया जीएस पॉइंट, सभी दोस्त क्लास को शेयर करें, बिल्कुल सभी लोग क्लास जीएस क्लास को शेयर करें, है ना, सभी लोग क्लास को शेयर करें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द के लिए, यानी कि अनेक अर्थी शब्द के लिए क्या कह रहा है, एक अर्थ चुनना है, उस शब्द को चुने क्या है, हमारा शब्द क्या है, मुद्रा है। मुद्रा मतलब क्या होता है बताइए, मुद्रा मतलब क्या होता है बताइएगा, मुद्रा मतलब क्या होता है, मुद्रा मतलब क्या होता है, क्लास चल रही है, ठीक है, मुद्रा मतलब क्या होता है बताइएगा, मुद्रा मतलब है क्या, रूप है, भाग है, पर्वत है, और क्या है, गोद है। तो गोद किसका होता है बताइएगा, अंक होता है, भाग का तो आपको पता ही होगा, पर्वत क्या क्या है बताइएगा, पर्वत का गिरी, है ना, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो मुद्रा का क्या होता है, मुद्रा एक होती है आपकी बताइएगा, पैसा होता है ना, पैसा होता है, और क्या हो जाएगा बताइएगा, सिक्का हो जाएगा, है ना, सिक्का भी क्या बोलते हैं, मुद्रा। और हाथ में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, मुद्रिका, क्या बोलते हैं, मुद्रिका, है ना, मुद्रिका से बना है शब्द, यानी तो मुद्रिका भी जो हो गई हमारी, और क्या है बताइएगा, हाथ की अंगूठी हो गई, और क्या है, अंगूठी हो गई, पैसा हो गया, सिक्का हो गया, और क्या है, मुद्रा, जैसे कहते नहीं हम शांत मुद्रा में बैठे, किसमें, शांत मुद्रा। तो मुद्रा मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रूप हो जाएगा, रूप हो जाएगा, किस रूप में है, स्थिति हो जाएगी, है ना, स्थिति हो जाएगी, किस स्थिति में है, शांत स्थिति में, है ना। तो ये सब क्या है, मुद्रा के पर्यायवाची हैं, है ना, तो बहुत ही बेहतरीन। इसके अनेक अर्थी शब्द है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा रूप जो है सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन इज ए इज राइट आंसर, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है अगिया प्रश्न, है ना, एक हमारे हिंदी वाले सर थे वो हमेशा कहते थे अगिया प्रश्न, तो बच्चे भी कितना शैतान होते हैं ना, टीचर का मजा तुरंत लेने लगते हैं, तो अगिया पछिया करने लगते थे। क्या है अगिया पछिया प्रश्न, जैसे वो बोलते थे कि कलम की मतलब पेन जब चेंज करना होता था, काला पेन और नीला पेन यूज करना होता था, तो कहते थे स्याही चेंज करो, क्या करो, स्याही चेंज, है ना, स्याही बदलिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक, कर्ता मतलब क्या होता है, कर्ता कारक का क्या प्रसर्ग होता है, तो बताइएगा,
कर्ता का होता है नेपरसर्ग, क्या होता है नेपरसर्ग, है ना, तो नेपरसर्ग हमें सर्च करना है। ठीक है चलिए बहुत ही बेहतरीन। क्या कह रहा है, रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन ने क्या किया है, हॉकी खेली है, तो नेपरसर्ग हमने ढूंढ लिया है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बहुत ही बेहतरीन। सभी लोगों का एक बार कमेंट देखेंगे। नरेंद्र यादव जी 3 का C, आराधना जी 3 CCC, चलिए पंकज जी सी, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से सही विकल्प की को पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है बताइए। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, कौन कार्य करने वाला, तो कार्य करने वाला जो होगा उस क्या कहलाएगा, करने वाला क्या कहलाएगा बताइएगा, कर्ता कहलाएगा, है ना। तो क्या है, जो संबंध जोड़े, संबंध जोड़ने वाला नहीं हो जाएगा, जिसने काम हो, जिससे काम हो, जिससे काम नहीं होगा हमारा, है ना, जो कार्य करे, तो कार्य करने वाला क्या होता है कर्ता होता है। कहीं नहीं तुम बहुत कर्ता हो, है ना, ज्यादा कर्ता धरता ना बनो, है ना, तो बहुत ही बेहतरीन। तो कुछ हम लोग अपने देसी घर में प्रयोग होने नए आम शब्दों का प्रयोग करेंगे, बहुत कर्ता धरता ना बनो, तो कर्ता क्या है, जो कार्य करने वाला है, ठीक है, जिसका काम हो, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आराधना जी, 4 का B 5 का B। चलिए सही, जब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही सही काल वाला विकल्प की पहचान कीजिए, काल से संबंधित प्रश्न है ना, काल से संबंधित प्रश्न है, तो काल पहचानना आप सभी को आता होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो क्या कह रहा है, मुझे आज वर्षा होने का, क्या है, वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, कौन सा काल है बताइएगा, वर्तमान काल है कि नहीं, है ना, वर्तमान काल है कि नहीं, रहा रही रहे, है ना, रह रहा रही रहे, रहूं रहूं, है ना, चलिए वर्तमान काल, बहुत ही बेहतरीन, वर्तमान काल है लेकिन होने जैसा प्रतीत हो रहा है, क्या कह रहा है, होने जैसा प्रतीत हो रहा है, तो क्या है संभावना है कि नहीं, क्या है संभावना है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा संभावना, यानी कि संभाव्य, और वर्तमान काल तो है ही है, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान काल, यहाँ पे भविष्य काल है, आंसर कट हो जाएगा, है ना, होने की, ठीक है, हो सकती है, मतलब आज वर्षा होने की संभावना होगी, है ना, तो भविष्य काल हो जाएगा, भूतकाल, वर्षा हो चुकी है ना, तो ऐसे भूतकाल भी कट जाएगा, वर्तमान, अब यहाँ पे सामान्य वर्तमान हो रही होती तो चलिए ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है संभाव्य, संभावना की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, 6 का B 6 का B बहुत ही बेहतरीन, 4 का B 6 का B बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग आराधना जी, चलिए चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। फोन भी बहुत परेशान, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग, है ना, सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है बताइएगा, जिसमें कर्म हो, ठीक है, कर्म हो, जिसका प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पे पड़े, है ना, तो कर्म पे जो प्रभाव पड़ेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी बताइएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना, तो चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्रियाएं 2 प्रकार की, सकर्मक हो गई और कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। थोड़ा सा एक बार हम फोन साइलेंट कर दें, है ना, बहुत परेशान कर रहे हैं। चलिए सकर्मक क्रिया और कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कोशिश क्या हम लगाते हैं ना, कि कौन सा प्रश्न लगाते हैं, क्या लगते हैं, क्या अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है बताइएगा, वहां से हमें सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया का पता चल जाता है। ठीक है चलिए, कह रहा है कि कशिश हंस रही है, तो कशिश क्या हंस रही है, कशिश कुछ नहीं हंस रही ना, कशिश खुद हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया कुछ नहीं, क्या है, खुद ही चिड़िया उड़ रही है। अगला क्या है, सूरज उग रहा है, सूरज अपने आप उग रहा है ना। फिर क्या है, सीता वीड़ा बजा रहे, तो सीता का जो करता है का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वीड़ा पे पड़ रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा
सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, किसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सभी लोग बताइएगा, होम साइंस 7 का डी, सैलन जी 7 का सी, तो 7 का डी होगा, है ना। अंशिका यादव जी 7 का डी, बहुत ही बेहतरीन, 7 का डी, सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें उस विकल्प का चयन करना है, हमें किस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग होगा, सही पुल्लिंग होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग से संबंधित प्रश्न है, लिंग से संबंधित आपके टॉपिक में जो प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे सामग्री है, तो सामग्री किसका होता है बताइएगा, महारानी विक्टोरिया जो थी वो क्या थी, भारत की सामग्री घोषित की गई थी। आपको याद है कि भारत की सामग्री घोषित की गई थी, कब घोषित की गई थी, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जीएस भी पढ़ते रहिए साथ में, है ना। कौन सा, जब 1857 के विद्रोह के बाद में जब क्या हुआ था कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य था, है ना, तब क्या हुआ था, सामग्री अपने आप को घोषित किया था, है ना। तो सामग्री किसका है, ब्रिटेन के सम्राट, सम्राट की जो पत्नी थी उनको क्या बोलते हैं हम, सामग्री, यानी कि सम्राट की पत्नी जो होगी क्या होगी, सामग्री होगी। राजा की पता ही होगा आप लोग, एक था राजा एक थी रानी, खत्म, मर गए राजा, खत्म कहानी। महाराजा का क्या होगा बताइएगा, महारानी होता है, क्या होता है, महाराजा का महारानी होता है, सबको पता है। बादशाह का क्या होगा बताइएगा, बादशाह का बताइएगा, बेगम मेहरुन्निसा, है ना। तो क्या होगा, बादशाह का होता है बेगम, होता है क्या होता है, बेगम होता है। सम्राट का सामग्री, सभी को बहुत अच्छे से पता चल गया, चलिए बहुत ही बेहतरीन। होम साइंस 8 का सी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए यूपीपी का प्रश्न था, है ना, यूपीपी का प्रीवियस ईयर से सेट है, और इसमें क्या था, कल दोनों सेट में क्या है, 27 वाले सेट में और 28 वाले सेट में, दोनों में चिड़िया का क्या पूछा गया है, बहुवचन पूछा गया है। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, अकारांत स्त्रीलिंग में क्या लगाते हैं हम बताइएगा, चंद बिंदु का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, चंद बिंदु का प्रयोग करते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिड़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ऐसे ही कट जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, चिड़ियाएं, चिड़ियाएं क्या होता है बताइएगा, कुछ नहीं है ना, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे चिड़ा क्या है बताइएगा, कुछ है, चिड़ा है ना, चिड़ा यानी कि ऐसा लग रहा है किसी को हम चिढ़ा रहे हैं, है ना। तो दो ऑप्शन, 50% तो ऐसे ही सही होने का चांस हो गया, तो बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा आपको एग्जाम में ध्यान देने की आवश्यकता है और बहुत अच्छे से आप उसका सही जवाब दे सकते हैं ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 50% तो ऐसे ही सही हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्या कह रहा है, वर्ड जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं बताइएगा। कितने प्रकार के वर्ड होते हैं, पहला तो हो गया स्वर भैया, दूसरा क्या हो गया, व्यंजन। तो स्वर है, ठीक है, स्वर क्या है, स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण ये क्या है, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, व्यंजन होते हैं बताइएगा, व्यंजन जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं बताइएगा, स्वर की सहायता से। जैसे हमारा का लिखा हुआ है, अब का में हल चिन्ह लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, स्वर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्या है, स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है बताइएगा। खा है, ठीक है, पेन, ठीक है, खा है, खा में हमने क्या किया, हल चिन्ह लगाया, आ स्वर बाहर निकला, तो क्या हो गया बताइएगा, है ना। तो स्वरों की सहायता से कौन बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं, कौन से बोले जाते हैं, व्यंजन, खाने वाला व्यंजन नहीं, है ना, खाने वाला व्यंजन नहीं, यहाँ पे स्वर व्यंजन की बात हो रही है ना, हर समय खाना ही नहीं होता। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से, देखिए अभी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के जो सेट हैं आपके समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे प्रश्न डालेंगे जिससे क्या हो जाएगा, आपके चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए ना, पूरे चैप्टर, यानी कि चार सेट करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा आधा चैप्टर, मतलब जो है सभी चैप्टर लगभग आधे आधे तैयार हो चुके हैं ना, क्योंकि हर चैप्टर जो आपके सिलेबस के हैं उससे संबंधित प्रश्न डालेंगे, उसको जो डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, चार से पांच सेट में आपके आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सारे, तो आपकी आधी हिंदी तो ऐसे ही तैयार कर देंगे। अगर टोटल 50 सेट करवाने वाले हैं, 50 सेट आपने कर लिया तो यकीन मानिए हिंदी में आपके नंबर 37 में 37, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा, रचनाएं पर्यायवाची छोड़ के, ठीक है, रचनाएं पर्यायवाची हो सकता है ना कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे इतनी रचनाएं और पर्यायवाची करा दे कि वहीं से
आपका पेपर फंस जाए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का अंशिका यादव जी होम साइंस 10 का भी 11 तो 11 का बताइएगा, 10 का भी, चलिए 10 का भी बहुत सही जवाब। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित, स्वर रहित मतलब व्यंजन से स्वर रहित स्वर निकाल देंगे तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए इससे पहले अभी बता चुके हैं, जो व्यंजन होते हैं हमारे, जैसे हमने क्या बोला, का है, का को स्वर रहित किया तो क्या निकलेगा हमारा, आ निकलेगा, लेकिन का के नीचे हम क्या लगाएंगे, हल चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हल चिन्ह लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हल चिन्ह बाहर निकलेगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी जो है वो बहुत ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चार विकल्प में से विकल्पों को चयन करिए, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द बताइए। तो बताइएगा संज्ञा शब्द से सही विशेषण कौन सा विकल्प है, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, संज्ञा शब्द से बनने वाला कौन सा विशेषण है, सही कमेंट करके बताइए। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, तो देखिए जब भी विशेषण हो तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, है ना, जो विशेषण की विशेषता बताए पर विशेषण कहलाता है ना। तो किसे, अब संज्ञा सर्वनाम क्या है, संज्ञा तो हमारी शक्ति हो गई, अब शक्ति की विशेषता किस, शक्ति कैसे विशेषता बताएगा, शक्तिशाली, तो शक्तिशाली कौन होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है ना, शक्तिशाली व्यक्ति होता है ना, तो व्यक्ति क्या है हमारी, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता क्या है, शक्तिशाली व्यक्ति, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली राजा है ना, राजा क्या है, संज्ञा है, तो राजा की विशेषता क्या है, शक्तिशाली राजा है ना, तो शक्तिशाली, संज्ञा की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, शक्तिवर्धक शक्ति को बढ़ाने वाला, शक्तिरोधक शक्ति को रोकने वाला, है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सभी लोग बहुत ही बेहतरीन, काफी बच्चों का सही जवाब आया है, आप सभी लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है। चलिए शैलेन जी 12 का भी, रिया यादव जी 12 का भी, होम साइंस 12 का भी, राज यादव जी रिया, अच्छा रिया यादव जी 12 का भी, 11 का सीएमसी का यादव, चलिए बहुत ही बेहतरीन। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न बताइएगा सभी लोग क्या है इसका सही जवाब। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द कौन सा है भैया, यहाँ तो कोई रेखांकित शब्द है ही नहीं, आप बताओ कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। के आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचानिए, सर्वनाम का सही भेद पहचानिए, अब इसमें रेखांकित कोई शब्द ही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करें अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि कोई है ना, कोई कौन, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, कोई है तो मतलब रेखांकित भाग यही होना चाहिए है ना, रेखांकित भाग क्या होना चाहिए, कोई होना चाहिए, तो अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चय नहीं है, कोई आया है हमें नहीं पता है कौन आया है, नहीं पता है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अनिश्चय, फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो मतलब नहीं, नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता तो प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक सर्वनाम करने के लिए तो लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए, तो प्रश्नवाचक है ही नहीं, संबंधवाचक है ना, संबंधवाचक नहीं है, निजवाचक भी सर्वनाम नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा हमारा, ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना कौन सी है, तो बताइएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, हरिओद जी की रचना कौन सी है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, बताइए सभी लोग है ना, सभी लोग कमेंट करके बताइए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना कौन सी है। सॉरी सर, ए होगा, अच्छा अच्छा राजपूत जी, चलिए बताइएगा, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना कौन सी है, प्रिय प्रवास, अंधायुग, धर्मवीर भारती है ना, तितली झरना लहर तारा जितनी भी क्या है उनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है ना, तो सभी रचनाएं क्या हो जाएंगी, प्रेम प्रलाप, प्रिय प्रवास, सभी लोग बताइएगा किसकी रचना है, कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है फणीश्वरनाथ रेणु किसकी द्वारा कौन सी रचना है। बताइएगा फणीश्वरनाथ रेणु ने किसकी रचना की थी। बताइएगा मैला आंचल, मैला आंचल है ना, तो बहुत आप पढ़े होंगे मैला आंचल किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन है ना, कैसी हो ये हाला मधुशाला। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर मुद्रा राक्षस विकास दत्त, कौन है विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विकास दत्त। चलिए बहुत ही बेहतरीन, क्या हो जाएगा बताइएगा, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, 14 का भी 15 का भी बहुत ही बेहतरीन सभी लोग। रिया जी आप लोगों की बढ़िया तैयारी है, अच्छे से लगे रहिए, बस एग्जाम तक का बस कंटिन्यू बनाए रखिए ना, एग्जाम तक अगर कंटिन्यू आप बने रहेंगे सिलेक्शन आपका पक्का है, बस दौड़ निकाल लीजिएगा है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, फिर अगला प्रश्न है मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, क्या कह रहा है कि मीराबाई द्वारा जो है रचना कौन सी रचित नहीं है। तो एक यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, गी राग गोविंद, तो राग गोविंद किसकी है, मीराबाई की है। चलिए अगला है गीत गोविंद, गीत गोविंद किसका है, देखिए यहाँ पे मीराबाई से संबंधित है, आपको पता है मीराबाई किसकी थी, कृष्ण भक्त थी, कृष्ण भक्ति थी ना, तो कृष्ण भक्ति से संबंधित देखिए गीत गोविंद, गोविंद डाल दिया है तो गोविंद कृष्णा हरे मुरारी है ना, तो क्या है कोशिश करेंगे कि आप लोग यही लगा देंगे, लेकिन गीत गोविंद किसकी है बताइएगा, जयदेव जी की, किसकी है, जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, तो जयदेव जी की रचना है ना, तो ऑप्शन देखिए कितना सटीक डाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की है, तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, है ना। बाकी क्या है, राग गोविंद राग सोरठा के पद और वैदेही वनवास किसकी है, बताइएगा मीराबाई जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, शैलेंद्र यादव जी 16 कड़ी, 16 कड़ी रिया जी 16 कड़ी, अंकिता जी अंशिका जी 16 कड़ी, होम साइंस 16 कड़ी, बहुत ही बेहतरीन, काफी अच्छे स्टूडेंट है, यूपीपी की तैयारी, यूपीपी इस बार वर्दी तो आपके घर जाएगी ना, तो वर्दी इस बार आपकी है, बस कंटिन्यू लगे रहिए, एग्जाम को 50 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, 50 प्रैक्टिस सेट ये छोड़ के 8 सेट जो है यूपीपी के छोड़ के 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और 50 में आप यकीन मानिए कि अगर आपने 500 कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हिंदी में 37 में 37 लाने का। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला है माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए यहाँ से और भी प्रश्न बन सकता है, तो साहित्य अकादमी की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा, शुरुआत कब की गई थी, 1954 में, कब की गई थी, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में पहला ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, कब दिया गया था, 1955 में, 1955 में प्रथम जो है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो किस रचना के लिए दिया गया था बताइएगा, हिम तरंगड़ी समर्पण माता और युगचरण, तो किसके लिए दिया गया था इनको, हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, किसके लिए, हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हिम तरंगड़ी, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग इसको नोट करिएगा है ना, एक बार कमेंट देखते हैं आपके। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अंकुर जी नमस्कार, रिया 17 का ए, 17 का ए, 1954 सेलन जी 7 का ए, अंकुर जी 7 का ए, अंशिका यादव जी 17 का ए, रिया जी ए, बहुत ही बेहतरीन, सभी स्टूडेंट कितने भी शानदार शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद है ना। चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक कमेंट करके बताइएगा। देखिए वंशीकृत, वंशीकृत मतलब क्या होता है, किसी को वश में करना, क्या है, वश में करना, कहेंगे ये तो वंशीकृत है ना, उनके वंशीकृत है। चलिए बहुत ही समानार्थी शब्द अनुच्छेद को पहचान कीजिए, तो क्या है वंशीकृत मतलब क्या है, ख्याति प्राप्त करना, तो ख्याति तो नहीं प्राप्त होगी, क्या कह लें उल्लेखनीय, नहीं उल्लेखनीय भी नहीं होता है, क्या है सैलानीय, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या है मंत्र मुग्ध, क्या हो जाएगा मंत्र जो है मुग्ध होना, यानी कि किसी के मंत्र मुग्ध होना क्या कहलाता है वशीकरण कहलाता है, कहेंगे ये तो भैया उनके मंत्र मुग्ध हो गए हैं ना, वशीकरण कराए हैं भैया। चलो बहुत ही बेहतरीन, कौन सा है ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न
सेवन का ए सभी लोग का, एट का बताइए भैया, एटीन का बताइए, सेवनटीन का ए, एटीन का बताइए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए पद्य में उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा अलंकार की बात है। कह रहा भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, तो बताइए कौन सा अलंकार है। भिखारिन को देख कर पट देत बार बार कौन सा अलंकार है बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कौन सा अलंकार है, कमेंट करिएगा। पट देत, पट मतलब क्या है बताइएगा, दरवाजा। क्या है पट मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है, क्या होता है दरवाजा, ठीक है। और पट मतलब क्या होता है, पट मतलब होता है परिधान, क्या होता है परिधान होता है, परिधान मतलब क्या होता है सर, कपड़ा होता है ना। पट मतलब क्या होता है दूसरा, कपड़ा होता है सर, है ना, कपड़ा होता है। चलिए तो अब क्या कह रहा है कि कोई भिखारिन है उसको हम देख कर क्या करते हैं पट देत बार बार, यानी कि दो अर्थ निकल रहे हैं पट के, क्या है पहला तो दरवाजा, भिखारिन को देखा कहेंगे हम दरवाजा बंद कर दो, उदप मांगे वाले आएंगे, है ना, तो क्या हो गया दरवाजा बंद कर देंगे, ठीक है। तो एक बार में क्या कर रहे हैं दरवाजा बंद कर रहे हैं बार बार, है ना। दूसरा क्या है, कोई आया बढ़िया देनदार आदमी है ना, तो क्या करेगा दरवाजा खोल के क्या करेगा भिखारी को कपड़ा दे दे देगा, है ना, कपड़ा दे देगा दान में, तो कौन सा अलंकार होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार, यानी कि एक अर्थ जो है, एक एक शब्द जो है, एक शब्द के है ना अनेक अर्थ हो, और वो क्या हो श्लेष मतलब क्या होता है चिपका होना, अतिशयोक्ति तो आपको पता ही है ना, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करो, है ना। चलिए अगला क्या कह रहा है, रूपक अलंकार फिर उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा जन जानो मन मानो, है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, 19 का ए सही जवाब हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, चिपका हुआ, है ना। अलंकार की एक इतनी मस्त क्लास हम लाएंगे, एक ही मतलब दो चार उदाहरण ऐसे हैं जिनके माध्यम से क्या करेंगे आपको लगभग सारे अलंकार समझा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे एक कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे हरि बोले हरि सुने हरि आए हरे पास, एक हरि हरि को गए दूजो गए उदास, है ना। तो एक ऐसा अलंकार है जो एक ऐसा उदाहरण है ना, हरि बोले सारंग को सारंग गए सारंग पहुंचा आए, है ना। तो क्या है ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम अलंकार की आपकी क्लास कराएंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाह सर आप तो मजा आ गया, अलंकार तो हम ऐसे ही पहचान लेंगे ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो सबसे पहले धैर्य बनाइए रे, 5 दिन, 5 दिन में हम आपके पहले यूपीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं तो प्रीवियस ईयर से पूरा का पूरा अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। यही कारण है कि हम पहले आपके प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कम से कम 2 से 4 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं रचनाओं से, 2 प्रश्न वर्णमाला से, है ना। जैसे इसमें 2 प्रश्न वर्णमाला से पूछा गया है, लिंग से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1 प्रश्न पूछा जा रहा है, 2 प्रश्न कल वाले प्रश्न पेपर में 2 पूछे गए थे, है ना। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि कितने भी कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, जिससे क्या हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे तो उसमें ऐसे ही प्रश्न डालेंगे, जिससे क्या होगा आपके सारे टॉपिक क्या करेंगे धीरे धीरे, कि आप अगर एक सेट लगाइए 2 प्रश्न करिए तो 2 प्रश्न के माध्यम से हम आपके कम से कम उस टॉपिक से 4 से 5, यानी कि 1 क्वेश्चन में 4 से 5 प्रश्न आपके हम सॉल्व करवा देंगे बहुत आसान से, ठीक है। आप जैसे ही 10 सेट लगाएंगे ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हिंदी में, आगे से आप खुद ही जवाब देना शुरू कर देंगे, फिर कहेंगे सर अब तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है 50 सेट के तक, 50 सेट यकीन मानिए आप कर लीजिएगा, उसके बाद में बताइएगा, है ना, तब तक हमारी खांसी भी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और क्या है उस विकल्प का चयन करें जो क्या कह रहा है रेखांकित शब्दों में सही अव्यय के भेद है। अव्यय का मतलब क्या है, अव्यय मतलब आ मतलब ना, व्यय मतलब घटना, यानी कि जिस जो घटे ना, जो खराब ना हो, है ना, जिसके प्रयोग से क्या हो कोई भी परिवर्तन ना हो। क्या कह रहा है सबने उसे बुरा भला कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा, तो क्या कह रहा है विस्मयादिबोधक, तो विस्मय है नहीं यहाँ पे कोई,
संबंध बोधक अव्यय, बिल्कुल भी नहीं संबंध। समुच्च बोधक अव्यय तो क्या है, समुच्च बोधक अव्यय है, क्योंकि समुच्च बोधक अव्यय जो है उसकी पहचान क्या है हम बताएंगे। एक शब्द, एक बहुत ही बेहतरीन कविता है, चूंकि लिंग, चूंकि क्या है, चूंकि लेकिन किंतु परंतु, चूंकि लेकिन है ना, लेकिन किंतु परंतु, किंतु परंतु, जहां ये शब्द दिख जाए, किंतु परंतु तथापि यद्यपि है ना, तथापि यद्यपि, जहां पे ये प्रश्न हमको दिख, जहां पे ये शब्द जो देख जाए, दो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, वहां पे कौन सा हो जाएगा, समुच्च बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्च बोधक अव्यय होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न, थोड़ा सा क्लास स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अगली क्लास का टाइम होने वाला है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए, चयन करें जो क्या कह रहा है, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को, शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध में क्या कह रहा है, अच्छा विकल्प है विद्यालय। देखिए आधा प्रश्न यहाँ ही गायब है ना, वही हम कह रहे हैं बड़ा सा मैदान है, यहाँ पे विद्यालय से संबंधित प्रश्न दिए हैं। देखिए हमारे संगणक महोदय जो है वो काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं। चलिए, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, बताइएगा सभी लोग क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। गुड इवनिंग दिव्यांशी वर्मा जी, गुड इवनिंग दिव्यांशी जी। चलिए सभी लोग बताइएगा, चिपका हुआ मतलब होता है। सतीश जी, सर ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है यूपी में। जी रिया जी, हम यूपी पी प्रीवियस ईयर प्रश्न ही करा रहे हैं, तो यूपी पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं। क्यों बताइएगा, क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, और ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी है कि आपको पता चले, है ना, आपको पता चले कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए हमने इसी यहाँ से शुरुआत किया, प्रीवियस ईयर से, और प्रीवियस ईयर जैसे आप 7 से 8 सेट लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी ना, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए सभी लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तब तक पानी वानी पी लेते हैं। चलिए बताइए सभी लोग कमेंट करके। रिया जी यस सर, रिया जी सी, 20 का सी, अंशिका यादव जी 20 का सी, आराधना जी सी। बहुत ही बेहतरीन सभी लोगों का। चलिए हम लोग आते हैं आंसर पे, अपने आंसर पे आते हैं। क्या कह रहा है, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाई ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, तो बताइएगा, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। तो देखिए विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो क्या है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय के बाएं तो होगा नहीं, क्योंकि विद्यालय में ही बात कर रहा है, विद्यालय में ही बात कर रहा है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर, तो विद्यालय की बाईं ओर, तो विद्यालय के बाईं ओर की बात कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, विद्यालय में बाएं, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो सभी जो छंद होते हैं, छंद में मात्राओं के आधार पर हम क्या करते हैं, छंद को विभाजित करते हैं, है ना, तो मात्राओं के आधार पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सममात्रिक विषम मात्रिक दो प्रकार के होंगे, तो क्या कह रहा है, जहां पे सभी चरण समान होंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सर कभी कभी मैं अच्छे से आता हुआ भी गलत कर देते हैं। देखिए अच्छे से आता हुआ गलत हो जाता है, सबसे हो जाता है, टीचर से भी हो जाता है,
है ना, जो उस विषय का जानकार थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा होता है ना, तो जानकार होता है, उससे भी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन बार बार गलतियां आपकी गलती है ना। तो गलतियां स्वाभाविक हैं, अगर गलतियां नहीं हैं, मनुष्य हैं हम, है ना, तो गलतियों का मनुष्य गलतियों का पुतला है, आपको पता ही है। तो गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन बार बार अगर गलती हो रही है तो फिर ये आपकी कमी है ना, उसको सुधारिए। चलिए, एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं वाले होते हैं, नहीं वाले हम गलत कर देते हैं। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, ऑप्शन देखे तो सबसे पहले ऑप्शन पे ही टिक मारती है ना, ऑप्शन पे ही टिक मार दिए, सही जवाब, अरे सही जवाब हो गया। उसके बाद में जब हम घर पे देख के प्रश्न, तो क्या हुआ, पता चल रहा है कि प्रश्न तो कुछ और कह रहा है ना। तो ऐसे भी प्रश्न गलत हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। चलिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। रिया जी, ये रिया जी से सी, आराधना वर्मा जी सी, रिया यादव जी 20 का सी, आराधना जी 20 का सी 2 का सी। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सम मात्रिक, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगी समान मात्राएं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। और समान मात्राओं की बात कर रहा है, अर्धमात्रिक, दोहा जैसे हमारा अर्धमात्रिक ही 11-13 मात्रा है ना, ठीक है। और क्या है, विषम मात्रिक हो जाएगा, दोहा है ना, 11-13 मात्रा है तो विषम मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है, आधी आधी मात्रा है जिसमें समान हो, ठीक है। फिर क्या है, मात्रिक छंद हो जाएगा, जिसमें क्या हो, मतलब मात्राएं, मात्रिक छंद के ही भेद होते हैं, विषम मात्रिक और क्या है, सम मात्रिक, है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, कमेंट करते रहिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अब देखिए, आपके एग्जाम में मुहावरे से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो मुहावरे से जो प्रश्न बनते हैं, क्या कह रहा है, घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना का मतलब क्या होता है, कहेंगे भैया तो घाट घाट का पानी पिए हैं। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है कि अनुभवी होना, है ना, अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी तो क्या हो जाएगा, अनुभवी, बहुत प्यास बुझाना, प्यास बुझाना नहीं, खुशी मनाना, लज्जित होना। तो घाट घाट का पानी क्या है, बहुत ज्यादा अनुभवी होना, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, जो एग्जाम होता है, एग्जाम में कभी भी आप बैठेंगे तो क्या होगा, आपके जो मान लेते हैं जितने भी प्रश्न आते हैं, तो हम किसी को भी मानेंगे 100%, क्या हिंदी का मान लेते हैं हम 100%, तो 100% बराबर आपके कितने हैं, 37 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 37 मार्क्स इज इक्वल टू 100%। तो हम थोड़ा सा परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे हमारे 10 से 15% प्रश्न ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इतने आसान होते हैं, जो सबको पता होते हैं, ठीक है, आपके डेली रहन सहन और डेली की दिनचर्या में प्रयोग होने वाले प्रश्न होते हैं, तो आप सभी को पता होता है, ठीक है। और आप लोगों ने उन मुहावरों का भी प्रयोग किया होगा, मुहावरे या लोकोक्तियां हैं उनका भी प्रयोग किया होगा, विलोम शब्द का भी प्रयोग किए होंगे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, है ना, तो ये सब क्या शब्द हैं, आप लोग ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं ना। तो ये क्या हो जाएंगे, 15% जो आपके प्रश्न हैं, इतने 10 से 15% प्रश्न जो बच्चे सभी करते हैं, मतलब कुछ भी ना पढ़ा हो, एक भी दिन ना पढ़ा हो, तो क्या करेंगे, कर लेंगे। बाकी बचा आपका जो 15 से 30% जो प्रश्न होते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है वो आराम से कर लेता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 30% तक जो प्रश्न होते हैं वो नॉर्मल आप लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, एग्जाम में अपेयर होने वाला बच्चा, अगर उसने एक दिन भी किताब नहीं खोली है, तब भी 15% प्रश्न तो हर सेक्शन का करेगा, मैथ वैथ और रीजनिंग का, मैथ का छोड़ के रीजनिंग का भी वो कर लेगा 15% प्रश्न, ठीक है। लेकिन जब यहाँ तक दिक्कत कहाँ तक आती है, 60% तक, 60% तक प्रश्न आपको करने में क्या होती है, समस्याएं होती हैं। जैसे GS में 60% कर लिए तो आप क्या है, ब्रिलियंट है, ठीक है, 60 से ऊपर जब कर लिए तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है। लेकिन हिंदी हिंदी में 60% प्रश्न आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 60 से 70%, ठीक है, अब जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, 60 से जिस दिन आप एग्जाम में 60% प्रश्न करने लगे, तो आप समझिएगा कि कंपटीशन देने लायक हो गए। लेकिन सिलेक्शन आपका तभी होगा जब 70+ जाएंगे, 75+ अगर आप जाएंगे, 75% तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो टारगेट करिए कि 75+ आप लेके आइए, ठीक है। और यहाँ से 60% तक लाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 दिन पढ़ लेंगे, 60% ले आएंगे प्रश्न, लेकिन उसके बाद में जो नंबर आपको बढ़ाने होते हैं, उसमें आपको मेहनत करनी होती है, उसमें तभी आप करेंगे। जैसे पर्यायवाची आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना, पर्यायवाची याद करेंगे, रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, संधि जो है अच्छे से तैयार करना पड़ेगा,
तो आप क्या करेंगे वहां से प्रश्न नहीं गलत करेंगे। जब प्रश्न नहीं गलत होंगे तो आप क्या करेंगे 75% प्लस जाएंगे, जहां से आपका सिलेक्शन सिक्योर होता है। हिंदी में तो आप कर लेंगे, हिंदी में उम्मीद करते हैं 100 में 100 नहीं तो 90% आप जरूर करेंगे, ठीक है। 90% से लेकर 95% तक आप हिंदी में करेंगे। बस आपको क्या करना है 50 सेट जो होने हैं इसके बाद में, टोटल 50 सेट होने हैं, उन 50 सेट को जरूर करिएगा। 50 सेट कर लेंगे हिंदी में, 95% के आसपास आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 60% के ऊपर के जो नंबर आपको बढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको 2 महीने का समय देना पड़ेगा कम से कम। तो 2 महीने का समय दीजिए आप, 75% प्लस लीजिए, और 75% से ज़्यादा यूपीपी की मेरिट नहीं जाने वाली, क्योंकि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा होंगी और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव, यानी कि कौन सा भाव है शोक भाव, और ये जो भाव होते हैं शोक, ये भाव उनको क्या बोलते हैं, हम स्थायी भाव बोलते हैं, ठीक है। किसका पार्ट है, रस का पार्ट है, ठीक है, रस का पार्ट है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो रस से संबंधित प्रश्न वहां किस भाव की उपस्थित रहेगी, तो हास्य में क्या हो जाएगा, जहां हंसी मजाक का हो, ठीक है, तो हास्य रस हो जाएगा। जैसे फिर क्या है, वीर रस, है ना, वीर रस में आपको पता ही होगा वीरता से संबंधित ओज प्रोज जो है ना कहानियां होती हैं। वात्सल रस में जो बच्चों का प्रेम होता है ना, वात्सल रस में क्या है, बच्चों से जो प्रेम लगा होता है। शोक कहाँ पे होता है, करुण रस का, है ना, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा आप, शोक होता है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा क्लास तेज करेंगे क्योंकि टाइमिंग समाप्त हो गई, अगली क्लास जीएस की है आपकी, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं अवनीश सर, बहुत अच्छे प्रश्न है। अवनीश सर जो है काफ़ी देर मेहनत करने के बाद में प्रश्न को सिलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जीएस की क्लास जो है। चलिए 23 का दिव्यांशी जी डी और अंशिका यादव जी डी, रिया जी सर आज क्लास कहाँ से लाइव चल रहा है, सर ये क्लास कहाँ से लाइव चल रहा है, ये क्लास जो है ये लखनऊ से लाइव चल रहा है, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश लखनऊ से चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, राधा स्कूटी चला रही है, तो राधा स्कूटी चला रही है तो बताइएगा क्या है इसका भाव विवाच पूछ रहा है, तो भाव विवाच बताइएगा क्या कह रहा है, राधा स्कूटी चला रही है का भाव भाववाच्य बनाइए, बताइएगा क्या होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्कूटी राधा चलाई, राधा स्कूटी चलाई कट गया, ठीक है, राधा से स्कूटी चलती है तो राधा चलती है तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक है। तो भाव विवाच में क्या होता है, राधा स्कूटी चलाई जाती है, कर्मवाच में क्या होता है, के द्वारा किया जाता है ना, तो इससे ऐसे संबंधित जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन आपके टेस्ट सीरीज में, अभी सभी 40 टेस्ट आपके हम बना चुके हैं, ठीक है, अभी आपके 40 टेस्ट हिंदी के कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्न मिलेंगे और अच्छे से आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 10 सेट जो बनाने हैं वो बाद में बन जाएंगे, आपकी डेली एक प्रैक्टिस क्लास होगी हिंदी की। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है ना, तो बताइएगा सभी लोग 29 का ए। चलिए 30 का बताइए, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है कि जब किसी की हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी की किसी के बोले शब्द क्या करें हूबहू उतार देते हैं, तो उसको किस में लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में, किस में लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह की पहचान क्या होती है, ठीक है, इन्वर्ट जो कहते हैं ना आपके इन्वर्टेड कामा में बंद करिए, ठीक है, चलिए तो उसी को हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह एक ही में लगा हुआ है, पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना, ठीक है, तो क्या है उद्धरण चिन्ह यही प्रयोग किया गया है, बाकी कहीं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन किए जो दिए गए शब्द में सही समान अर्थ वाला है, मतलब समानार्थी शब्द का चयन करना है। कमेंट के सॉरी खांसी बहुत आ रही है, आप लोगों को डिस्टर्ब होता होगा। चलिए आराधना वर्मा जी 29 का है, 29 का है, 29 का है, 30 का बताइएगा सभी लोग, 30 का, 30 और 31 का बताइएगा,
तो शरीर का है, शरीर का बताइएगा क्या होगा। बताइएगा शरीर का क्या होगा, तो शरीर का जो समानार्थी शब्द है क्या होता है, कलेवर। क्या होता है, कलेवर जो है शरीर का समानार्थी शब्द होता है। विपट वृक्ष का हो गया, महिला का क्या हो जाएगा, महिला की स्त्री का हो जाएगा। पद्मा क्या है बताइएगा, पद्मा श्वेत पद्मासना है ना, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं है ना आपका एग्जाम। ऐसे देखिए दो तीन विकल्प तो ऐसे कट जाते हैं, 50% तो आप ऐसे ही सही कर लेंगे है ना। तबीयत नहीं सही है काफी दिनों से। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समाप्त करते हैं इसको, 6 मिनट बचा है, जीएस की क्लास होने वाली है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द कौन से नहीं होते बताइएगा। संज्ञा शब्द क्रिया शब्द होते हैं उपसर्ग प्रत्यय, बिल्कुल होते हैं। शब्दांश होते हैं क्योंकि क्रिया में उपसर्ग लग के ठीक है शब्द बनते हैं। शब्दांश किसी शब्द का किसी शब्द का अंश भी हो सकता है, शब्द का अंश तो होता ही है क्योंकि शब्द में ही हम उपसर्ग प्रत्यय लगा के उसमें क्या करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। और दूसरी चीज है अव्यय है, अव्यय क्या होते हैं बताइएगा, अविकारी शब्द होते हैं, तो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएंगे है ना। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अव मतलब नहीं, व्यय मतलब जिसमें व्यय ना हो, यानी कि जिससे समाप्त ना किया जा सके, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, जिसमें विकार उत्पन्न ना किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों का चयन कीजिए, क्या कह रहा है, जो प्रत्यय नहीं लगा है। तो प्रत्यय किसमें लगा है, शिष्या शेरणी, प्रत्यय से नहीं बना है, तो क्या है, शिष्या में अप्रत्यय लगा है, शेरणी में ई प्रत्यय लगा है, दयामय में मय प्रत्यय लगा है, परिचय ठीक है, तुच्छय कोई प्रत्यय नहीं है ठीक है, परिचय क्या है, परिचय में कोई प्रत्यय नहीं लगा है ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में। उपसर्ग कहाँ लगता है, उप मतलब पहले, सर्ग मतलब क्या होता है। चलिए मच्छिका का तद्भव बताइएगा, मच्छिका किसका है बताइएगा, मच्छिका मतलब होता है, मच्छिका मतलब क्या होता है बताइएगा, मक्खी होता है, क्या होता है, मक्की होता है। अली मतलब क्या होता है, भौरा होता है, भौरा का तत्सम क्या होगा, भ्रमर होगा है ना। संस्कृत से संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विपरीत अर्थ वाला, सन्यासी का विपरीत अर्थ बताइएगा क्या होगा, वैरागी सुलभ शिष्ट गृहस्थ, तो सन्यास कोई ले लिया है, सन्यास मतलब क्या हो जाएगा, सन्यास मतलब सन्यास तो क्या करेगा, सब जितने भी मोह माया है सब त्याग करके क्या चला जाएगा, चला जाएगा ईश्वर की आराधना में लीन हो जाएगा ना। लेकिन जो गृहस्थ जीवन है तो क्या है, गृहस्थ जीवन क्या हो जाएगा, उसमें सभी मोह माया से लिप्त होगा, बच्चे का प्रेम है ना, जमीन जायदाद जर जोरू जमीन है ना, जितना भी है सभी से क्या होगा, लिप्त लिप्त रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, गृहस्थ हो जाएगा ठीक है, गृहस्थ इसका सही विपरीत शब्द होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नारी इच्छा, यानी कि नारी की इच्छा की बात कर रहा है, तो इसका हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद करने में हम ऐसा संधि विच्छेद करते हैं, ऐसा संधि विच्छेद करते हैं नियमों के साथ में कि दोनों शब्दों का, दो जो शब्द विच्छेद हो तो दोनों जो शब्द बने, शब्द के शब्द बने उनका क्या हो, अर्थ होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, अगर निरर्थक है तो क्या करेंगे, हम उसको कट कर देंगे। चलिए नारी, नारी प्लस इच्छा, तो नारी प्लस इच्छा कुछ होता है बताइएगा, इच्छा होता है हमको पता है, तो इच्छा तो हमने ऐसे लिख लिया है ना। चलिए नारी भी शब्द होता है, तो नारी प्लस इच्छा ठीक है। अब देखिए नारी मिला यहाँ पे, इच्छा मिला, तो ये भी शब्द होता है, ये भी शब्द होता है, नारी का मतलब स्त्री और इच्छा का मतलब क्या है, नर, तो नारी से संबंधित है, तो नर यहाँ पे क्या होगा, नर का कोई मतलब नहीं है, है ना। चलिए अगला क्या कह रहे हैं, नारी प्लस इच्छा, तो बड़ी ई का इच्छा लिखते ही नहीं है ठीक है, नारी प्लस चच, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सही जवाब हो जाएगा है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस राइट आंसर, तो ऑप्शन ए जो 36 का है क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। 37 का बताइएगा आप क्या है, नियत का मतलब क्या होता है बताइएगा, नियत का मतलब क्या होता है बताइएगा, अभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रखते हैं है ना, इस प्रश्न के बाद में क्लास यहीं पे रखते हैं, बताइएगा सभी लोग बताइएगा सब, नियत का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है नियत, एक होता है नियति, क्या होता है?